पूरी दिल्ली में पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में भाई राजेश यादव जी जो पूर्व निगम पार्षद थे हमारे बीच में आए, एक बार यहाँ मंच पर आएंगे, और हमारे जो सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी उनका अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत करेंगे, और मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई राजेश यादव जी का। और एक निगम पार्षद ज्योति अग्रवाल जी जो भी कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी को जिन्होंने ज्वाइन करा है वो भी हमारे बीच में है, वो भी है, उनका भी अभिनंदन करेंगे हम, क्योंकि हमारे 12 जो काउंसिलर थे अब 13 हो गए हैं। एक बार जोरदार ताली आप सभी की ओर से राजेश यादव जी ने। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे शालीनबाग विधानसभा से प्रत्याशी और प्रदेश की महामंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी आए और अपनी बात हमारे बीच में रखे। श्रीमती रेखा गुप्ता जी एक बार जोरदार ताली बजाएं। भारत माता की। आज का ये मौसम और माहौल देखकर मुझे कोई ऐसी दो लाइनें याद आती हैं कि फलक को जिद है, फलक को जिद है, जहां पे बिजलियां गिराने की हमें भी है जिद, वहीं पे आशियां बनाने की। तो आज कैसा भी मौसम, कैसा भी माहौल दिल्ली का है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ठान ली है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा के मानेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बना के मानेंगे। हमारे बीच में हमारे सिरमौर, हमारे दिलों पे राज करने वाले हमारे यहाँ से सांसद आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। और डॉक्टर साहब को मैं कहना चाहती हूँ, भाई साहब आपकी 10 की 10 विधानसभाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी का आपका ये कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा है वो आपको लाकर के जीत के देगा, आपकी झोली में देगा, क्योंकि पिछले 16 सालों से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने कष्ट सहा है, धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, बारिश हो, धरने, प्रदर्शन, विरोध, मार्च, कभी दिन में कभी रात में अपनी जान लगा लगा करके गली गली में सभी पार्टियों ने जो अन्याय किया दिल्ली की जनता के साथ वो पहुंचाया। आज पिछले एक साल से जो दिल्ली में अराजकता है इसका भुक्त भोगी पूरी दिल्ली है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस लड़ाई को ना केवल लड़ेंगे बल्कि दम के साथ में लड़ेंगे और जीत के आएंगे। आज आप सबके सामने मैं यही बात कहना चाहती हूँ, बनो जान लगा करके, बहुत कम समय है, केवल हमारे पास अगले 13-14 दिन है, बिल्कुल तन समर्पित मन समर्पित करके, यही हमारे लिए राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है, यही हमारी पार्टी के प्रति हमारा समर्पण है कि जहाँ जिस बूथ पे हम हैं हम पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़े, कोई भी मन की बात हो उसको हम एक बार को अलग रख के अपने संगठन के लिए मैं जान लगा के काम करूं। हमारे भाई विजय गोयल जी आ गए हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन, भाई जेपी जी का भी स्वागत। तो मिल करके भाषण बहुत दे लिए, भाषण बहुत हो गए, जो बात यहाँ कही जाएगी ऐसे ऐसे कितने भाषण को आप खुद भी दे लोगे, पर मिल करके यही बात कहना चाहूंगी कि चुनाव लड़े और ऐसा लड़े कि जिसमें एक ही फैसला आखिरी में आए और वो हो जीत का परचम। जीत हमें हासिल करनी है और हर तरीके से मेहनत करते हुए आप सभी इस मौसम में भी यहाँ पहुंचे हैं। मेरे क्षेत्र के भी सभी कार्यकर्ता बंधु मैं दूर तक नजर दौड़ा रही हूँ वहाँ आए हैं, आप सबको मैं बधाई देती हूँ। संगठन के प्रति जो आप काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मिलकर के जीतेंगे और 10 की 10 विधानसभा जीतेंगे। बोलो भारत माता की। चलो चले, चलो चले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रेखा गुप्ता जी। हमारे बीच में भारतीय जनता
पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद भाई विजय गोयल जी आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जय प्रकाश जी भी आए, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं विजय गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और हमारे बीच में हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। भाई विजय गोयल जी, जोरदार तालियों से। मित्रों, आपके बीच में आकर बड़ी खुशी होती है, इसलिए एक बार जोरदार एक मिनट तक गाइए। मित्रों, गर्म कर लो माहौल को, गर्म हाथ जोर से, हाथ जोर से गर्म करो माहौल को, माहौल को गर्म करो। ये तो पूरे जिले का सम्मेलन है, 10 सीटों का, दोनों जिलों का है। चांदनी चौक पर केशवपुरम का है, मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए मैं आस्था और काम बोलूंगा। आदरणीय मंच और कार्यकर्ता बंधु, एक बात समझ लो आप कि इन चुनावों का जो आह्वान हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बार जब मैं चांदनी चौक से चुनाव लड़ने के लिए आया था तो कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था, चांदनी चौक बड़ी खतरनाक सीट है ना, कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था कि एक मुर्गा और कटने के लिए आ गया है, एक मुर्गा और कटने के लिए आ गया है। पर मैंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि अभी हम यहां चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हैं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे हम झारखंड जीते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र जीते हैं, जैसे हम हरियाणा जीते हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर जीते हैं, वैसे ही दिल्ली के चुनाव में दो तिहाई बहुमत से हम जीते हैं। ये कौन है आम आदमी पार्टी? झूठ का समुंदर, झूठ का समुंदर। जिस समय अन्ना हजारे का आंदोलन था, मेरे जैसे लोग भी रामलीला मैदान के अंदर पहुंच गए थे, ये समझकर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, बीजेपी अकेली नहीं लड़ सकती, एक अन्ना हजारे और उसकी टीम अगर लड़ने के लिए आई है तो दे दो इसका समर्थन। और उस समय चिल्ला चिल्ला कर ये लोग कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद ये लोगों ने पार्टी बनाई, लोगों ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को हमने मौके बहुत देके देख लिए हैं, चलिए इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं। नंबर वन पे हम आए, नंबर वन पे कौन आए? नंबर वन पे बीजेपी आए, फिर भी इनकी सरकार बनाई, इसलिए बनाई कि जनता को ये पता लग जाए, जनता को ये पता लग जाए कि ये लोग कितने पानी के अंदर हैं, ये लोग कितने पानी के अंदर हैं। जो मुट्ठी बंद थी वो उनकी मुट्ठी खुल गई, दुनिया को पता चल गया। कहते हैं हमने ये सरकार, अभी भी कल मैं इंटरव्यू में देख रहा था, कहते हैं हमने ये सरकार नैतिकता के आधार पर जन लोकपाल बिल के लिए छोड़ी, जन लोकपाल के लिए छोड़ी हमने, किंतु इन्होंने सरकार छोड़ी थी सीएम से पीएम बनने के लिए सरकार छोड़ी थी। और कहते हैं बनारस चले गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बनारस चले गए, लोगों को इकट्ठा किया। एक बार जरा जोर से ताली बजाना, लोगों को इकट्ठा किया और कहा मैं चुनाव लड़ लूं क्या, बनारस के अंदर मैं चुनाव लड़ लूं क्या। लोगों ने भी कहा
कोई बात नहीं, खुश हो जाएगा, जमानत तो इसकी जब्त होगी, लड़ना है तो लड़ ले। जैसे मैंने आपको कहा ताली बजा देना, आपने बजा दी ना, क्या गोयल साहब खुश हो जाएंगे, बजा दो कोई बात नहीं। आपने पूछा थोड़ी गोयल साहब क्यों ताली बजवा रहे हो, आपने बजा दी, अपना आदमी है। उन्होंने भी कहा कि भाई कोई बात नहीं, इसने हमको बुलाया है बनारस से लड़ने के लिए, लड़वा देते हैं, मोदी के सामने हारेगा तो हार जाएगा। उस आंदोलन के, उस अन्ना के आंदोलन को से निकलकर और जिस तरीके से अपने हित साधने के लिए ये लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, उससे लोगों का विश्वास टूट गया है। कल कोई भी आंदोलन करने आएगा तो लोगों को लगेगा, ये भी कोई ना कोई, कोई भी आंदोलन करने आएगा तो लगेगा लोगों को ये भी कोई ना कोई पॉलिटिकल लाभ उठाने के लिए ये कर रहे हैं। कौन करेगा आने वाले आंदोलनों पर विश्वास? आए थे कहने के लिए कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं, ना हम समर्थन लेंगे और ना समर्थन देंगे। जिस कांग्रेस को भ्रष्ट कहते रहे उसी कांग्रेस का समर्थन ले लिया, उसी कांग्रेस का समर्थन ले लिया। बन गए तो कहा बंगला, जोर से बोलो बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी और ले सब कुछ लिया। और कहते हैं हम नैतिक के आधार के ऊपर चुनाव को लड़ रहे हैं, नैतिक आधार के ऊपर चुनाव को लड़ रहे हैं। 49 दिन में सरकार को छोड़ के भाग गए सीएम से पीएम बनने के लिए, और जब जनता ने कहा क्यों भाग गए, दोबारा वोट नहीं देंगे, तो कहते हैं एक बार और मौका दे दो, एक बार और कांग्रेस भी आ जाएगी, कहेगी हमने 2G में लूट लिया, हमने कॉमनवेल्थ में लूट लिया, हमने कोयला जी में लूट लिया, एक बार और भाई ऐसे मौके दिए जाते हैं क्या? ऐसे मौके दिए जाते हैं? तो इसलिए ये समझ लीजिए आप बात को, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। मैं आप लोगों को एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, इस समय आम आदमी पार्टी की सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसके अंदर वो हर वायदा करने के लिए तैयार है। कहते हैं वाईफाई बिल्कुल फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, गाड़ी फ्री कर देंगे, मेट्रो फ्री कर देंगे, हवाई जहाज फ्री कर देंगे, एक बार सिर्फ वोट दे दो। ये गंभीरता है उनकी, उनको मालूम है अगर वो चुनाव को ये नहीं जीते तो पूरे देश में पार्टी बंद हो गई, हरियाणा में पार्टी बंद हो गई और दिल्ली में भी पार्टी बंद हो जाएगी। पर दोस्तों हमें मेहनत बहुत करनी है। विजय गोयल ने आज तक आपको यही बताया है, विजय गोयल खुद मेहनत करता है और दूसरों से मेहनत करवाता है। हमने हमेशा एक ही नारा दिया है, परिश्रम। कोई विवाद नहीं है हमारे यहां पर। जाकर मीडिया वाले कहते हैं गोयल साहब आपके यहां पर धरना हो रहा है, आपके यहां पर लोगों में रोष है। मैं उनको कहता हूं हमारे यहां लोगों में रोष नहीं, 10 लोग जब टिकट मांगते हैं और जब एक को टिकट मिलती है तो कई बार भावना आहत होती है, मेरी भी भावना आहत होती है, पर ये बीजेपी का सिपाही है जिसकी भावना आहत होती है किंतु उसके बाद वो समझ जाता है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। कैसे डालना भैया ऐसा, तुम पहले अपना काम कर लो, हम बाद में बोलेंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं अपने अपने मनों के अंदर झांक कर देखना कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, ये मत देखना कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा, आपको दिल्ली की जनता सिर्फ ये देख रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आते ही कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी है, ये जो जनधन योजना है जिसके 10 करोड़ खाते खुले उसमें लाखों खाते दिल्ली के अंदर भी खुले। बोलो मोदी के आने के बाद पेट्रोल सस्ता हुआ या नहीं हुआ?
गैस सस्ती हुई या ना हुई, सीमेंट सस्ती हुई नहीं हुई, लोहा सस्ता हुआ नहीं हुआ, हर चीज के दाम नीचे आ रहे हैं। देश ऊपर जा रहा है, दूध के दाम बढ़े नहीं, अभी धीरे धीरे कम होंगे, ये समझ लेना मेरी बात को। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जिस तरीके का दृष्टिकोण और जिस तरीके का विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी जरूरी है। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली की सारी योजनाएं केंद्र से चलती हैं, केंद्र सपोर्ट करता है। अगर आपको बिजली सस्ती चाहिए तो केंद्र की मदद लेनी है, अगर आपको मुरम नहर से पानी चाहिए तो केंद्र की मदद लेनी है, अगर अनाधिकृत कॉलोनियों को निर्मित करना है तो केंद्र की मदद लेनी है, अगर आपको गांवों के अंदर विकास करना है तो केंद्र की मदद लेनी है, अगर आपको झुग्गी झोपड़ियों के अंदर फ्लैट बनाकर देने हैं तो केंद्र की मदद लेनी है। तो केंद्र में बीजेपी की पार्टी है, अगर दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की पार्टी होगी तो वैसे ही होगा जैसे एक टू व्हीलर स्कूटर हो, दोनों पहिए अगर वेस्पा के लगे हो तो स्कूटर ठीक चलता है, पर एक हैंडल अम्ब्रेटा का लग जाए और एक लग जाए वेस्पा का तो स्कूटर ऐसे गड़बड़ चलता है। तो एक बात समझ लीजिए, दिल्ली के अंदर हमारे आने के बाद हम झुग्गी झोपड़ियों में पक्के मकान बना के देंगे, दिल्ली में आने के बाद हम अनाधिकृत कॉलोनियां जो नियमित की हैं उनको सुविधाएं देंगे, और तो और मैं आपसे कह रहा हूं, दिल्ली में आने के बाद बिजली के दाम 30% कम करके दिखाएंगे, ये हम सब लोगों के कार्यकर्ता होंगे। लोग मेरे से पूछते हैं गोयल साहब, 30% के बिजली के वादे का क्या हुआ? तो मैं उनको कहता हूं, आज के अखबार खोल के देख लो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मोदी आएंगे और बिजली सस्ती। तो ये समझ लीजिए, बिजली के दाम अगर कोई कम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा ये अपना आम आदमी ने, उन्होंने कहा जी हमने देखो बिजली सस्ती कर दी, उन्होंने बिजली सस्ती नहीं दी करी, एक 10 साल का लड़का भी इधर फंड रखे हो तो उठा के बिजली कंपनियों को दे सकता है कि अब इसकी सब्सिडी दे दो, पर हम ये कहते हैं कि हमारे आने के बाद बिजली जो है उसको हम सस्ती करेंगे, यानी कि पावर कंपनीज को अपने रेट कम करने पड़ेंगे, और इसके लिए अभी से कोशिशें जारी हो गई। दोस्तों, दिल्ली में जितनी भी समस्याएं हैं सबके लिए हमारे पास प्लान है। अब आपको एक प्लान बनाकर बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कल मेरे पास एक पत्रकार आई थी, मुझसे पूछने लगी, गोयल साहब ये झुग्गी झोपड़ी में आप कहते हो फ्लैट बना के दोगे, लाखों लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो इनको फ्लैट आप कैसे बना के दोगे? तो वो योजना आप सुन लीजिए। मान लीजिए एक 10,000 गज का प्लॉट है जिसके ऊपर झुग्गियां बसी हुई है, ध्यान से सुनना ताकि आप लोगों को बताना पड़ेगा, 10,000 गज का प्लॉट है जिसपे झुग्गियां बसी हुई है, तो सरकार क्या करेगी? टेंडर बनाएगी, लेकिन कौन कौन ऐसी कंपनियां हैं जो इनको फ्री में 13 मंजिली फ्लैट बनाकर दे सकते हैं, 13 मंजिली फ्री में फ्लैट बना के दे सकते हैं? तो कंपनियां कहेंगी हमको क्या फायदा होगा जब हम फ्री में फ्लैट बना के देंगे? तो गवर्नमेंट कहती है जब ये झुग्गियों वाले फ्लैट के अंदर चले जाएंगे तो हमारे पास जो जमीन बचेगी उस जमीन में से एक भाग हम आपको देंगे, आप उसमें मॉल बना सकते हैं, आप उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, आप उस पर अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, उससे जो है आमदनी जो होगी उससे आप फ्लैट बनाएंगे। तो मैं क्या मुंबई के अंदर, मुंबई में 13 मंजिली फ्लैट, उनमें लिफ्ट लग रही है, लिफ्ट बनी है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, और उन फ्लैटों को करने के लिए क्या करते हैं, ये आधी झुग्गी वाले को कहते हैं कि तुम किराए पर चले जाओ। तो मैंने कहा किराया कौन देगा? तो कहते किराएदार कोई बिल्डर देगा नहीं। तो मैंने कहा वो किराया देगा? तो कहते हैं उसकी कॉस्ट उसको जमीन में से मिलेगी। तो 10,000 रुपया महीने का वो दे देते हैं झुग्गी वाले को कि भाई तू इस मकान में चला जा, नहीं तो ये 10,000 रुपये ले, तू चाहे रिश्तेदार के रहे, तू चाहे कहीं पर भी जाकर रहे। तो झुग्गी वाले को 10,000 रुपया मिल गया, और अब फ्लैट वाले को ये चिंता है बनाने वाले को कि अगर मैंने जल्दी नहीं फ्लैट बनाया तो मेरे पैसे लगते रहेंगे किराए के, तो वो फटाफट उसको बनाता जाता। तो इस तरीके से इस योजना में सरकार का एक भी पैसा जो है वो खर्च नहीं। ऐसे ही बिजली के दाम कैसे सस्ते होंगे सुन लीजिए, बिजली के दाम सस्ते होंगे बिजली कंपनियों के अंदर कंपटीशन कराएंगे,
जैसे आप मोबाइल है, चाहे सैमसंग से आप लोग, चाहे वोडाफोन से लो और चाहे एयरटेल से लो और चाहे टाटा से लो और चाहे इसे रिलायंस से लो, ऐसे ही बिजली भी आपको मिलेगी, बिजली मिलेगी आपको जिस मर्जी कंपनी से। और बिजली कंपनियां गली गली में घूमेगी, क्या कहती हुई, बिजली ले लो बिजली, बिजली ले लो बिजली। तो आपको जिसकी सस्ती, आपको जिसकी बिजली सस्ती लगेगी, जिसकी बिजली सस्ती लगेगी और क्वालिटी वाली बिजली होगी, आप उससे बिजली लेंगे, अपने आप कंपटीशन में बिजली के रेट जो है कम हो जाएंगे। तो दूसरा सीएजी की रिपोर्ट हो जाएगी। ऐसे ही पानी कैसे करेंगे, दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमी है, केवल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पानी का ठीक तरह से नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो आएंगे मुनक नहर से तो पानी लाएंगे और प्लस इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करके पानी की प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूं, खूब मेहनत से काम करना है, 15 दिन अपने घर में जाना है। मैंने तो प्रभात झा जी आ गए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। अरे भैया आपको सब मालूम है अच्छी तरह, आ गया ना, आज कहते हैं अखबार में आ गया मोदी जी 50% बिजली के दाम कम करेंगे, जोरदार तालियां। आज पचास फीसदी बिजली के बिल कम करेंगे। और एक बात समझ लो, जितनी ताकत आप लोगों ने लगाओ, बोलो लड़ने को तैयार हो, ऐसा नहीं दोनों हाथ खड़े करके, सारा मीडिया खड़ा है, एक मिनट जब बोलूंगा तब बोलो। देखिए ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लंबी है और इसमें आप सबको हाथ वही खड़े करना जिसमें 24 घंटे देने अंदर, ये समझ लेना बात को। इसमें कैंडिडेट नहीं पार्टी लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे हैं, कैंडिडेट नहीं सीएम जो हमारी किरण बेदी जी है। कहते हैं किरण बेदी जी कहां से आ गए, अरे किरण बेदी जी यहीं से आ गए, 40 साल से दिल्ली के अंदर रहती है, काम करती है, उनकी इमेज बड़ी अच्छी है, ऑनेस्ट इमेज है उनकी, वे 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का और लोगों के अंदर उनकी एक छवि है और भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है। तो जहां से भी आई है वो हमारे लिए आई है, काम करने के लिए आई है। तो मैं एक बार आपसे पूछूंगा, आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप चिल्ला के जवाब दूंगा, बोलो लड़ने को तैयार हो, क्या बात है, एक बार आप तेजी से लड़ने को तैयार हो, तो मैं भी आप लोगों के साथ लड़ने को तैयार हूं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं सुखद होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं, तन से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को टिका तो सकती है, बुझा नहीं सकती, लौ को टिका तो सकती है, बुझा नहीं सकती। जो बात बताई है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है और हम सब कार्यकर्ताओं को क्या बात लेके जनता के बीच में जाना है, उस बात को हम पूरा करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी आए, एक बार जोरदार तालियों से। हमारे बीच में हमारे श्रीनगर से प्रत्याशी डॉक्टर नंद किशोर गढ़ जी आए हैं, एक बार अभिनंदन और अपनी बात हमारे बीच में। दिल्ली के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री प्रभात झा जी, केंद्रीय मंत्री और हमारे अपने लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राजस्थान के राज्यसभा सांसद भाई विजय गोयल जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई श्यामलाल जी, चांदनी चौक के
प्रत्याशी भाई सुमन गुप्ता जी जो निगम बोध घाट को पिछले दो तीन साल में बहुत परिवर्तन देखा है, तो एक बार इस शुभ भक्त के लिए जोरदार तालियां भी बजा दें। हमारे दिल्ली प्रदेश की बहुत ही जुझारू और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जैसे धीरे धीरे आगे विजय गोयल बढ़े हैं, ऐसी बड़ी रेखा गुप्ता जी जो शालीमार बाग से चुनाव लड़ी, हमारे बहुत पढ़े लिखे और कर्मठ कार्यकर्ता जो दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, वजीरपुर से चुनाव लड़ रहे भाई डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, हमारे जिले के चांदनी चौक के महामंत्री पूर्व पार्षद पार्षद पति श्री प्रवीण जैन जी, आप सदस्य प्रत्याशी हैं और बाकी लोग स्कूटनी पे गए हुए हैं, अभी पहुंचते होंगे जब मैं अभी स्कूटनी से आया। विजय गोयल जी ने आपको बहुत ही हास्य के साथ हमें हंसाते हुए सहज करते हुए अपनी बातें रखी। आज इंद्र भगवान ने हमारी सबकी परीक्षा ली है, बाहर की तैयारी पूरी होने के बावजूद संख्या पूरी होने के बावजूद इस छोटे हॉल में आप सबको एडजस्ट होना पड़ा है, परंतु जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने कहने की बात नहीं। दिल्ली में एक ऐसा पंच हम सब ने मिलकर लगाना है, जिसके कारण मैं एक बार कह रहा हूं कई दिन से कि पूरे देश में 29 प्रांतों में इस झाड़ू वालों के दफ्तरों पर ताले लग चुके हैं। कश्मीर से लेकर कोई प्रांत कहीं चुनाव नहीं लड़ा और अब दिल्ली के अंदर इनके दफ्तर पर ताला लगाना है, वो बढ़िया अलीगढ़ का ताला लगाना है। वो चांदनी चौक लोकसभा के सभी कार्यकर्ता मिलकर आज संकल्प लेंगे, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन के चुनाव में हमने 10 में से 9 विधानसभाओं में लीड ली थी, इस बार 10 की 10 में लीड लेकर और ये बताएंगे कि इस देश में सच्चाई और ईमानदारी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हर्षवर्धन जी जैसा ईमानदार सांसद और इतने कर्मठ हमारे प्रत्याशी और आप जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाई बहन जो आज 80 साल की उम्र वाले भी काम कर रहे हैं, 18-20 साल वाले भी लोग काम कर रहे हैं, कोई दूसरी पीढ़ी से कोई तीसरी पीढ़ी से, ये सब देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाई बहन हैं। इनके केवल एक ध्येय है कि हमने भारत को कांग्रेस मुक्त बनाया, बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़े और उससे पहले देश को झाड़ू से मुक्त कराना है, परंतु गंदगी से भी मुक्त कराना है, स्वच्छ भारत बनाना है और केवल नकली लोग, फ्रॉड करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोगों से लोगों को सावधान करना है कि केजरीवाल, मैं दो की डिबेट में भी कहा कि मेरे दिल्ली विधानसभा में इसके बैठे हुए 2 लेक्चर हैं, किसी एक बात का जवाब आज भी दे दे तो मैं केजरीवाल को मान लूं अपने आप को ईमानदारी का ढकोसला करने वाला। 7 दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी पर्सनल को 2 गाड़ियों समेत चलता है, तिलक मार्ग पर रहता नहीं है, गैर कानूनी रूप से वहां पर बोट रजिस्टर्ड हो, सरकारी मकान खाली हो चुका है 6 महीने पहले, वहां वोटर है, तो नैतिकता का पाठ दिल्ली की जनता को टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाने वाले श्रीमान केजरीवाल से मैं पत्रकार महोदयों से इन चैनल वाले अपने साथियों से अपील करूंगा, कम से कम एक बात पूछ ले कि नैतिकता का पहला पाठ है अपने ऊपर लागू कर वोट का रजिस्ट्रेशन वहां हो जहां वो रहता हो, वो दिल्ली में भी नहीं रहता, चलो पता बदल गया तो कोई बात नहीं, वो वसुंधरा में रहता है, इसलिए मेरे जितने भाई हैं। और दूसरा, बिजली के ऊपर वो बड़ी लंबी चौड़ी बात करता है, नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, हम लोगों को LED के बल्ब 10 रुपए महीने पर देंगे, 1 मार्च से डिलीवरी होगी, वायदा नहीं है और रजिस्ट्रेशन चालू है, 10 रुपए महीने के अंदर वो बल्ब उनका फ्री हो जाएगा, 2 साल की गारंटी का बिल आधे करेंगे, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से और LED बल्बों को लगाने के कारण हम लोगों को ये वायदा नहीं करते कि हम फ्री बिजली दे देंगे, बिजली कोई फ्री में बनती भी नहीं है, बिजली बनती है कोयले से, तेल से, गैस से और उसके बाद उसके ऊपर
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है, कंपटीशन कराएंगे, बिजली सस्ती नेचुरल चीजों से बने उससे बनाएंगे और अक्रॉस दी बोर्ड उस आदमी ने 200 यूनिट तक जो बिजली दी थी वो मेरे सफाई कर्मचारियों के 250 करोड़ रुपया दिल्ली नगर निगम को जो मिलने थे उनमें कटौती की थी और इस बात को छिपाया था, परंतु तो दिल्ली विधानसभा में डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, जब हमने शोर किया और डॉक्टर साहब खड़े हुए उसे कहना पड़ा कि मैं प्रोविडेंट फंड का पैसा काट रहा हूं, सफाई कर्मचारियों का जो दिल्ली नगर निगम रेखा जी वाले निगम को देने थे वो कटौती करके रिलायंस वाले को देने वाला आदमी वो गरीब आदमी है, 20,000 रुपए में कॉफी पिलाने वाला गरीब आदमी है, 20,000 रुपए में खाना खिलाने वाला, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करके दिखाने वाला वृद्धतम आदमी है जिसने जीवन में एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रहते हुए एक असेसमेंट की हो, एक काले धन वाले को पकड़ा हो, यानी श्रीमती जो आज भी कमिश्नर है दिल्ली के अंदर 20 साल से जमे हुए, ट्रांसफर पोस्टिंग हर 3 साल में हर अधिकारी की होती है, वो यहाँ कैसे जमे हुए, वो कांग्रेस का पिट्ठू है, कांग्रेस का दलाल है, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए 450 सीटें लड़वाई थी और एक विश्व रिकॉर्ड बना 430 में जमानत करा दी। और इस बार मेरी एक छोटी सी बहन तो नुपुर शर्मा इतिहास बनाएगी केजरीवाल को नई दिल्ली में हराकर, ये मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं। और मेरे नजदीक 3 मंत्री रहते हैं और तीनों मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमसे मिलकर तीसरे स्थान पर पहुंचाएंगे, ये राजीव बिरदान हो, सत्येंद्र जैन हो या गिरीश सोनी हो, जो सुबह 10 बजे से अपने नशे में रहने वाले लोग इनको तो लोग जान चुके हैं, अपना एमएलए फंड नहीं खर्च करिए, अपना कोई काम नहीं कर सके, आज वो एक बार काट के हानी भाई मिले करते एक बार चढ़ती है, वो चढ़ गई है, चढ़ गई है। अब हम सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, पहले उसके पहले दिल्ली में झाड़ू मुक्त दिल्ली बनानी है और हम मशीनों से सफाई कर्मचारियों को बेहतर रोजगार देंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। ये मैं अपने जितने मेरे एरिया में 5,000 मेरे सफाई कर्मचारी परिवार रहते हैं उनको आश्वासन दिया मैंने, मैं इन्हीं लड़कों में से एसटीएम और आईएएस और बड़े बड़े इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनाएंगे, इसलिए हम सब मिलकर इस देश के अंदर एक नया भारत बनेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हर चीज को टाइम बाउंड किया है और टाइम बाउंड कर इस देश के अंदर भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए 90 साल से तपस्या कर रहे उन स्वयंसेवकों को आज हमने अपना वायदा निभाना है कि इस देश को परम वैभव पर ले जाकर पुनः विश्व गुरु बनाना है और इसी के लिए आप हम सब यहाँ बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अभी डॉक्टर नंदकिशोर जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि हम सब ने अभी हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पिछले लोकसभा चुनाव में उनको अपनी 10 विधानसभाओं में से 9 विधानसभाओं में जितवाया था और हम सब सभी चांदनी चौक के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व को बताएंगे कि हम इसकी बार 10 की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बैठने वाली है। इस प्रकार से पूरी दिल्ली में वातावरण चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, हम चांदनी चौक के कार्यकर्ता भी जो है वो सुनिश्चित करेंगे और हमारे बीच में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही देर में पधारने वाले हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जयप्रकाश जी हमारे बीच में आए हैं, वो उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वो आए और अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे, एक बार तालियों के साथ जयप्रकाश जी का अभिनंदन करेंगे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, हम सबके मार्गदर्शक प्रभात झा जी, हमारे क्षेत्र से सांसद और भारत सरकार के अंदर मंत्री जिन्होंने दिल्ली को पोलियो मुक्त किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हम सबके हृदय सम्राट
जो दिल्ली के अंदर पिछले 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता विजय गोयल जी, हमारे दोनों जिलों के अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी, हमारे सुमन गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस चांदनी चौक जिले के सभी प्रत्याशी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, हमारी रेखा गुप्ता जी जो कि प्रदेश के अंदर महामंत्री है, डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, प्रवीण जैन जी, श्यामलाल गर्ग जी जो कि मेरे प्रदेश के अंदर कोषाध्यक्ष है, हमारे वरिष्ठ है, और हम सबको काम कराने के लिए हमारे बीच के अंदर जो पिछले लोकसभा चुनाव से हमारे बीच में रघुनाथ जी, सभी दोस्तों मित्रों साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, दोस्तों आज का यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और हम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। सब कहते हैं दिल्ली का दिल, देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल चांदनी चौक। अगर देश को ठीक करना है तो दिल्ली को ठीक करना होगा, और दिल्ली को ठीक करना है तो चांदनी चौक को ठीक करना होगा, और चांदनी चौक का कार्यकर्ता यहां बैठा हुआ है। हम सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारी पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता के अंदर जोश है तो पार्टी के अंदर जोश है, हमारे कार्यकर्ता में जोश है उत्साह है तो पार्टी के अंदर उत्साह है। इसलिए दोस्तों मित्रों साथियों, आज हम सब पटना प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं। ये वो कार्यकर्ता बैठे हैं जिनके दम के ऊपर आने वाली 7 फरवरी को एक एक बटन कमर के निशान के ऊपर दबेगा, और जब 10 फरवरी को नतीजे आएंगे तो 10 की 10 विधानसभा चांदनी चौक की आपकी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे। 10 तारीख का चुनाव, 10 तारीख को मतदान होगा और 7 तारीख को, 7 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को गणना होगी। शनिवार भी हनुमान जी का दिन है और मंगलवार भी हनुमान का दिन है। हम सभी हनुमान भक्त हैं दोस्तों मित्रों साथियों, चांदनी चौक में मार्केट वाले हनुमान बाबा बैठे, उनसे प्रेरणा लेकर हनुमान जी की गदा को उठा करके हम 7 तारीख को एक एक बटन को, एक एक उंगली को गदा का रूप बना देंगे और कमल के निशान को दबा देंगे, और जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो पूरे चांदनी चौक में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला होगा। आपके सामने दो पार्टी है दोस्तों मित्र साथियों, एक कांग्रेस है, एक वो पार्टी है जिसने 49 दिन सरकार चलाई और 49 दिन में 49 बार माफी मांगी। यह केजरीवाल जो है कहता है थोड़ी सी गलती कहता है, कहते हैं उनको माफ कर दो। मेरे सब नेताओं ने उनके बारे में बताया। दोस्तों मित्र साथियों, यह मौका रोज नहीं आता। हम सबको मौका मिला है दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का, हम सबको मौका मिला है, और हमारी दिल्ली अपनी विधानसभा क्षेत्र, हमारी दिल्ली अपना मंडल, हमारी दिल्ली अपना बूथ, हमारी दिल्ली अपना खंड, हमारी दिल्ली अपना पन्ना, पन्ने वाला पन्ने से बाहर ना निकले, मंडल वाला मंडल से बाहर ना निकले, विधानसभा वाला विधानसभा से बाहर ना निकले, और हम सब मिलकर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करें। कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पद्मपति विश्राम कैसा, उठो जागो लक्ष्य तक पहुंचे बिना मत रुको। लक्ष्य हमारा दिल्ली से केजरीवाल को भगाना, लक्ष्य हमारा दिल्ली से कांग्रेस का सफाया करना, लक्ष्य हमारा दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करना, लक्ष्य हमारा दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार बनाना जो गरीबों के लिए काम करे, मजदूरों के लिए काम करे, व्यापारियों के लिए काम करे, कर्मचारियों के लिए काम करे। लक्ष्य हमारा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सरकार बनाना, लक्ष्य हमारा हमारे देश के अंदर जो हमारा नेता नरेंद्र मोदी का उनको मजबूत करना, वो मजबूत होंगे तो जो भारत का जो पूरे विश्व के अंदर भारत माँ के जय जयकारे लग रहे हैं वो जयकारे हमारे क्षेत्र में भी लगे। एक बार सभी दोस्तों बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। हम सब मिलकर काम करेंगे, एक मन एक मत एकजुट होकर के काम करेंगे और कमल के निशान के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मटिया महल से प्रत्याशी अंजुमन दैवी जी आपके एक बार जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करेंगे। और भाई जयप्रकाश जी ने बताया कि हमें लक्ष्य को पूरा करना है और उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए इसको बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में आदरणीय रघुनाथ कुलकर्णी जी हैं जो बूथ मैनेजमेंट के माहिर हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव में 10 में से जो 9 सीटें जीती थी हमने, उन्होंने इस मंत्र को हम सभी कार्यकर्ताओं को बीच में दिया था, लेकिन इस बार 10 की 10 विधानसभा जीते ऐसा वो मंत्र हमें देने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र से एक बार जोरदार तालियों से रघुनाथ कुलकर्णी जी का स्वागत करेंगे। रघुनाथ कुलकर्णी मैं
कहां से आया हूं आपको पता है क्या? कहां से आया हूं मैं? महाराष्ट्र से इसलिए आया हूं, बार बार जो मेरे पूर्वता किसी का नाम ले रहे थे, मैं तो किसी का नाम भी नहीं लूंगा और राजनीतिक भाषण भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अभी जो हमने महाराष्ट्र जीता है वहां पे उसका एक भी कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, महाराष्ट्र में तो हमने जीत हासिल की, और वो महाराष्ट्र किसकी भूमि है? वो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की भूमि है ध्यान रखें। और मैं आपको यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि जो हमने जीत हासिल की वह जीत माननीय मोदी जी की थी, नेता उनकी थी, लेकिन जीत हासिल करने में यहां बैठा हुआ जो बूथ समिति का अध्यक्ष है उसकी जो जीत थी उसका उसमें महत्वपूर्ण रोल था। और मैं आपको यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं, लोकसभा चुनाव में भी यहां था मैं, और लोकसभा चुनाव में आप सभी कार्यकर्ताओं ने यह मन में ठान लिया था कि बाय हुक और क्रूक जो भी हो हम डॉक्टर हर्षवर्धन को जीत दिलाएंगे, और आप लोगों ने हर्षवर्धन को जीत दिलाई है, इसलिए मैं आपको अभिनंदन करने के लिए आया हूं, आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आने वाले हैं, और प्रमुखता जहां पे हमारा युद्ध होने वाला है वह युद्ध का ठिकाना है अपना पोलिंग बूथ, और यहां पे सारे पोलिंग बूथ के संयोजक उपस्थित है, और जहां पे युद्ध होने वाला है वो युद्ध के सारे सैनिक यहां बैठे हैं। आप सभी को मैं ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि हमने जो पन्ना प्रमुख की योजना जो महाराष्ट्र में बनाई, जो झारखंड में बनाई, जो हरियाणा में बनाई, जो राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात में बनाई, वो पन्ना प्रमुख की योजना के कारण इन सारे प्रदेशों में हमको जीत मिली है, यही योजना हम दिल्ली में लेके आए हैं। आप सभी को मैं यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि सारे जो बूथ संयोजक है उन सारे बूथ संयोजक ने अपने अपने बूथ में 12, 15, 17, 20, 15 प्रमुख बनाए होंगे, बनाए कि नहीं बनाए? जिसने नहीं बनाए वो हाथ ऊपर करो, और जिसने बनाए वो हाथ ऊपर करो। मंच के लोगों ने शायद नहीं बनाए, मंडल प्रधान ने नहीं बनाया है, मुझे पता है कि मैं कल चांदनी चौक में दौरा कर रहा था तो हमारे कपूर साहब मध्य प्रदेश से आए, वेद जी है, जिलाध्यक्ष है, महामंत्री जी है, प्रदेश के उपाध्यक्ष है, सभी ने मिलकर चांदनी चौक में लगभग 6,600 पन्ना प्रमुख बनाए हैं, और उसी प्रकार केशवपुरम में लगभग 7,200 के आसपास हमारे पन्ना प्रमुख बने हैं। अरे इस लोकसभा में जो हमारे सही मायने में सैनिक है, जो लड़ाई लड़ने वाले लगभग 13,500 के आसपास हमारे पन्ना प्रमुख लड़ाई लड़ने वाले हैं और वही जीत दिलाने वाले हैं। मैं आप सभी बूथ समिति के जो अध्यक्ष है संयोजक है उनको यही आग्रह करूंगा कि जो एक पन्ने पर 60 मतदाता है आने वाले 3-4 दिनों में आप पन्ना प्रमुख को यह आग्रह जरूर करें कि जो 60 मतदाता मेरे पन्ने में है उससे जाके मैं मिलूंगा, और हमारा अभियान आने वाले 4 दिन में रहेगा मतदाता पहचानो अभियान, तो आइडेंटिफाई अवर वोटर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? एक पन्ना प्रमुख 60 मतदाता को एक दिन में मिल सकता है, 2 दिन में मिल सकता है, 3 दिन में मिल सकता है। 25 तारीख के पहले हमारे सारे पन्ना प्रमुख सभी वोटर के पास जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे। मैं अभी माननीय विजय गोयल जी का भाषण सुन रहा था, विजय गोयल जी ने आपको काफी मुद्दा दी है, जाके हम मतदाताओं को बताएंगे, चर्चा करेंगे। मैं मुंबई से आता हूं, मुंबई में बैठे गोयल जी जो बता रहे थे विजय गोयल जी, उसी प्रकार की योजना
झोपड़पट्टी के बारे में मुंबई में आप कई सालों से बना रहे हैं और मैं ये कहने के लिए आया हूँ यदि दिल्ली में ये योजना गंदी है झुग्गीवालों को फ्लैट देने हैं तो मुंबई के लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है। मुंबई के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब यहाँ पे आएंगे और आपको मदद करेंगे। बस मैं आपको इतना ही कहूंगा आने वाले चार दिन में पन्ना प्रमुख हर होटल को मिलेगा और जाके कहेगा बस बहुत हो गया महाराष्ट्र से निकल गया झाड़ू हरियाणा से निकल गया झारखंड से निकल गया अभी दिल्ली से हमको झाड़ू को साफ करना है। इसमें पन्ना प्रमुख आने वाले तीन दिन में चार दिन में योजना बनाए तो आइडेंटिफाई अवर वोटर अपना मतदाता पहचानो इसलिए पन्ना प्रमुख की योजना है और पन्ना प्रमुख 60 मतदाता को आने वाले तीन दिन में मिलेगा। मैं आपको इतना ही कहने के लिए आया हूँ कि पूरे देश भर के कार्यकर्ता दिल्ली को मदद करने के लिए तैयार है। बस हम ये तय करेंगे कि देश भर के कार्यकर्ता आएंगे तो हम उनको सही मायने में काम दे सकते हैं। बस घर घर जाएंगे और लोगों को ये कहेंगे देश में बीजेपी की हवा चली है दिल्ली में भी बीजेपी की हवा चलनी चाहिए। इसलिए हर पन्ना प्रमुख आने वाले तीन चार दिन में 7 मतदाता तो पहुंचेगा घर घर जाएगा और अपील करेगा चलो चले मोदी जी के साथ। मैं आपसे एक ही आखिर में कुछ दोहराना चाहता हूं आप मेरे पीछे दोहराएंगे फिर मेरा वक्तव्य मैं पूरा करता हूं। मैं एक एक लाइन बोलूंगा आप मेरे पीछे बोलते जाएंगे सारे बूथ संयोजक बैठे हैं ना बूथ समिति के अध्यक्ष है ना यहाँ पे एक एक लाइन दोहराएंगे। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए हर बूथ में जाएंगे आवाज नहीं आ रहा दोनों हाथ ऊपर करो हर बूथ में जाएंगे हर रास्ते पे चलेंगे हर रास्ते पे चलेंगे प्रत्येक दरवाजा खटखटाएंगे प्रत्येक दरवाजा खटखटाएंगे और हरेक वोटर को अपनाएंगे हरेक वोटर को अपनाएंगे। बोलो भारत माता की चलो चले अभिनंदन करेंगे विवेक गर्ग जी का मॉडल से हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और मैं उनको अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और अपनी बात हमारे बीच में रखें। भाई विवेक गर्ग विकास किया नहीं किया दिल्ली में स्वच्छ खाना नहीं
क्या ये झाड़ू ने कांग्रेस में निकाल किया? नहीं किया। दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कांग्रेस और आपने दिल्ली को डुबोया। आपने मोदी जी की सरकार जब से आई है विकास की गति एक तीव्र दिशा में बढ़ रही है। आज विश्व में हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। मोदी जी ने पूरे विश्व में हर भारतीय का वो सम्मान दिलाया है कि हर भारतीय आज गर्व से अपना सर ऊंचा करके कह सकता है कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है। ऊपर वाला जितने भी हमें जन्म दिलवाएगा हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा जब भी जन्म हो इस मातृभूमि पर हो, इस भारत माता की धरती पर हो। अब दोस्तों हमने ये सोचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में मेजोरिटी से बने और उसके बाद हमने विकास को तीव्र करना है, दिल्ली की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। दिल्ली में इतनी समस्याएं हैं कि कांग्रेस में जैसे एक हमें खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ कैसे बनाएंगे ये सोचना है। जिस तरह खांडवप्रस्थ बनाया गया था, खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाया गया था, उसी तरह दिल्ली को हमने एक इतनी विकसित राजधानी बना देना है कि विश्व की कोई भी राजधानी दिल्ली के सामने फीकी पड़ जाए। और इस सब के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जिस तरह किसानों ने आजादी की लड़ाई के लिए रातियां उठा ली थी, आपने दिल्ली की आजादी के लिए कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए आप लोगों ने भी ये कसम उठा ली है कि हर व्यक्ति घर से निकलेगा वोट डालने और भाजपा के पक्ष में वोट देगा ताकि पूरी बहुमत से हमारी सरकार बने और इस तालिबानी कांग्रेस और भगोड़े लोगों से इस दिल्ली को सदा सदा के लिए छुटकारा मिले। ये आप सब लोगों ने प्रण करना है। जब तक आप प्रण नहीं करेंगे दिल्ली की आजादी निश्चित नहीं है। दोस्तों ये सब लोगों ने सहयोग देना है, ये एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं होगा। मोदी जी का जो सपना है कि हमें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, हमें भारत को जो 65 साल में आज भी एक विकासशील देश के नाम से जाना जाता है, हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है। चाहे डॉलर का प्राइस हो, आज डॉलर 60 रुपए से ऊपर, हमें डॉलर को वापस 1 रुपए में लेके आना है ताकि भारत इतना विकसित हो जाए कि हमारा विश्व में सबसे बढ़िया इकोनॉमी हो। जब इकोनॉमी चलती है देश की तो देश चलता है। जब चूल्हा जलेगा घर में तो आप मान के चलिएगा खुशहाली आएगी। आज दिल्ली में समस्याओं के अलावा कुछ नहीं है। क्या कांग्रेस ने अगर आप देखते 60 साल में किया सिवाय दिल्ली को बर्बाद करने के कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं किया। आज विश्व में हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं ये सबसे कायर देश कौन है जो हमेशा पीठ दिखा के भागता है, उसको हम पाकिस्तान कहते हैं। इसी तरह दिल्ली में सबसे जो देश की कायर पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है जो जनता का विश्वासघात करके पीठ दिखाने वाली है। क्या ऐसे पीठ दिखाने वाले कायरों को हम दोबारा चुनेंगे? कदापि नहीं। हम भारत माता के लाल हैं। इस बार आम आदमी पार्टी को एक भी सीट ना मिले ये आप लोग यहाँ से प्रण लेके जाइएगा। ये 15 दिन की ऐसी आजादी की लड़ाई है, ये 15 दिन आने वाले दिल्ली को सालों खुशहाली देगी। 15 दिन घर बार सब छोड़ के आप एक युद्ध की तैयारी करिए और जितने ये भ्रष्ट और भगोड़े और कायर लोग हैं इनको दिल्ली से भगाना है और मोदी जी की सरकार को दिल्ली में लाना है ताकि दिल्ली का विकास एक वर्ल्ड की सबसे बड़ा और सबसे सशक्त और एक विकसित देश बने। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विवेकर जी हमारे बीच में हमारे बल्ली नारायण से प्रत्याशी श्यामलाल मोरवाल जी आए, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे भाई श्यामलाल मोरवाल जी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने मटिया महल से प्रत्याशी अंजुमन देहलवी जी आए और अपनी बात हमारे बीच में रखे, एक बार जोरदार तालियों से। परम आदरणीय मंच पे बैठे हुए नेतागण और सभी मेरे साथी जो यहाँ मौजूद है मैं उन सबका स्वागत करता हूँ कि आपने अपने घर में मुझको जगह दी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शकील अजम पैराशूट से आया है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी देर में आपको बात बताऊंगा। असल में तो घर वापसी मेरी हुई है। असल में वापसी आदमी अपने घर से बहुत दिन तक ज्यादा दूर नहीं रह सकता, उसको शाम को घर वापस ही आना पड़ता है। मेरे पिताजी स्वर्गीय अनवर देहलवी 1967 में जनता के निशान पर पहले मुसलमान थे जो नए राज्य से लागत जीत कर आए और जनता का झंडा प्रदर्शन किया जामा मस्जिद के ऊपर बैठकर।
उसके बाद उसी से बात करने उनको कह दिया कि अब आप उससे मिलाकर भी जिनके दिखाइए। मेरे पिताजी 1972 में जब 5 जनसंघ के उम्मीदवार जीते थे उस वक्त उनमें 5 में एक अनवर देव जी का नाम शामिल था। आज उनका बेटा अपने बाप का कब उतारने के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और जो लोग ये कहते हैं कि शकील अंजुम पैराशूट उम्मीदवार है, मैं उनको बताना चाहता हूँ शकील अंजुम पैराशूट उम्मीदवार नहीं है, शकील अंजुम के बजाय इसी परिवार के बीच में हुई है। मेरे आदरणीय बैठे हैं उनको जानते हैं कि मेरे घर में कभी शिक्षा नहीं हुई हिंदू और मुसलमान की, मैं नहीं जानता हिंदू और मुसलमान कौन होते हैं, मेरे घर में शिक्षा हुई है इंसानियत की। आज पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मक्या महल को मुझको प्रत्याशी बनाया है, मैं आप सबके चरणों में वो सीट ला के आपकी झोली में डालूंगा, ये वादा करता हूं। आज तक मक्या महल की तारीख से जो हुआ है, मेरे मक्या महल के साथी, मेरे जिला चांदी चौक के साथी यहाँ मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अभी मुकाबला करके आ रहा हूँ। आज सिक्योरिटी दी मैं दोनों दबा मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है। एक ही फॉर्म दाखिल किया था, कोई कवरिंग के लिए दाखिल नहीं किया था, मेरा फॉर्म वहां पे एक्सेप्ट कर लिया गया और दोनों मुखी खा के गए वहां से। दोनों मेरे दबंग पैसे वाले बिल्डर शकील अंजुम गरीब आदमी है, लेकिन शकील अंजुम के अंदर जो जनता है, शकील अंजुम के अंदर जो बाहर भी है, वो मुकाबला करके दिखाएगा उन पैसे वालों का। और मैं वादा करके आया हूँ कि मुसलमान भाइयों अब सबका साथ सबका विकास होगा, नफरत से नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता, अंधेरे से अंधेरे को नहीं मिटाया जा सकता, ये दूरियां कम करने का काम करूंगा, पुल का काम करूंगा। आज की तारीख में मैं क्या और एक बात और बता दूं कि मेरे पिताजी तो 2 दफा जनसंघ के टिकट पे जीते, मेरी दादी खाला खुशीदा कहता है 3 दफा मटिया महल ने जीती। आज तारीख अपने आप को दोहराने आ गई है और तारीख दोहराएगी, उन दबंगों का मुकाबला करूंगा, आखिरी तब तक करूंगा। मैं मुसलमान हूँ, कसम खा के आया हूँ अपने इलाके में। ये राज्यपाल और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जब तक आखिरी वोट की गिनती नहीं हो जाएगी तुम्हारा आपकी शादी छोड़ूंगा, तुम्हारी ईट बता दूंगा, क्योंकि आज जिस परिवार में आया हूँ वो परिवार मेरे पीछे है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, और उन बिल्डरों का मुकाबला कर रहा हूँ, पैसे वालों का मुकाबला कर रहा हूँ, क्योंकि आपका साथ मेरे साथ है। आप मेरे सबसे बढ़िया महल के लोगों से मेरा सभी तक लोगों के कहना चाहता हूँ कि अब तक जो हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि आज एक बहादुर सिपाही अंदर देश जी का बेटा मैदान में चूल्हे हिल गई उनकी, उनके घरों में चूल्हे बंद कर दिए गए। शकील अंजुम कहा से आ गया, इसको भाजपा का टिकट कैसे मिल गया, 4 दिन पहले जानकारी तो मेरी तारीख की बात हो। अरे मैं तो पुराना आदमी था, इससे टिकट मिल गया, इन सबका आशीर्वाद था। उनके घबराहट पैदा हो गई, कहने लगे 6,000 वोट मिलेंगे जमानत तब तो जाएगी, मैंने कहा वो 6,000 का जमाना भूल जाओ, डॉक्टर साहब को 16,000 वोट मिले थे, 10,000 वोट मुसलमान दे रहा है, 26,000 और वहां पर जो कांग्रेस ने कैंडिडेट आया अभी वो छोड़ के पार्टी अवर होता है, सारा कांग्रेस इसके खिलाफ है, सारा वोट हमारे पास आ रहा है। तो मेरे भाइयों मेरी ताकत तक जाना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इनका आशीर्वाद है, मेरे पास इनका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं आपका साथ है। अगर आपने इस सीट को जीतना है, मैंने वादा किया था अपन वाइजा साहब से कि यह सीट आपकी झोली में लाके डाल दूंगा और उस वादे को 10 तारीख को सबसे पहला आदमी होगा जो मटिया महल विधानसभा जीत कर वो झोली में डालने जाएगा, क्योंकि मैं जनता की आदमी हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मटिया महल सीट हमने 1992 के बाद जब तक नहीं जीती, लेकिन 1992 के बाद ये सीट हम जीतने जा रहे हैं, ये मुझे पूरा यकीन है और आप मेरा साथ दीजिए। आखिर में मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारी बातें ठीक करने की हमारे महान नेता आ गए हैं, आखिर में इतना ही कहूंगा मैं किस मिट्टी का हूँ, मैं किस मिट्टी का हूँ, यारों मेरी पहचान लिख देना, मेरे कफन के कोने कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। जोरदार तालियों से चांदी पर लोकसभा का स्वागत करेंगे और हमारे
हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमन गुप्ता जी का पक्का बनाकर अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से, जोरदार तालियां माननीय रामलाल जी का। हमारे अरे माता की बंधुओं, जैसा कि अभी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के आप सब कार्यकर्ताओं ने निश्चित किया है कि इस बार 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी 2 सीटों पर विजय हुए थे और अभी अंजुमन गैलवी जी ने कहा है कि मैं 10वीं सीट भी जीत कर दूंगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुखिया महल के प्रत्याशी के लिए। और हमारे बीच में हमारे बदली महाराज से प्रत्याशी श्यामलाल मोरवा जी आए हैं, वो आएंगे और अपनी बात श्यामलाल मोरवा जी आएंगे और अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। जो कार्यकर्ता खड़े एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। और हमारे चांदनी चौक जिले के पदाधिकारी और केशवपुरम जिला पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि बाहर जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनको अंदर लेके आएंगे। कुछ ही देर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आने वाले हैं। सभी व्यवस्था बनाए रखे, जो बंधु खड़े हैं उनसे अनुरोध, बैठ जाएंगे। आदरणीय मंच, आदरणीय रामलाल जी और दिल्ली के प्रभारी प्रभात झा जी, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी, जिला श्यामलाल गर्ग जी, सुमन गुप्ता जी, प्रवीण जैन जी, रेखा गुप्ता जी, महेंद्र नागपाल जी, नंदकिशोर गर्ग जी, जयप्रकाश जेटी जी, कुलकर्णी जी, आदरणीय भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बदली महाराज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। मैं संगठन का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं संगठन को विश्वास दिलाता हूं कि बल्ली महाराज की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और मैं ये सीट संगठन की झोली में डालूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप सबका मुझे जो स्नेह प्राप्त है, जो क्षेत्र की जनता का जो मुझे प्यार मिला है, उस प्यार से जो कि निगम की जीत भी मैंने 37 साल के बाद जीती थी, 37 साल से कांग्रेस हुआ थी, 2007 के अंदर भारी बहुमत से 4000 से मैं जीत के आया था। और इस बार जो मुझे बल्ली महाराज से प्रत्याशी बनाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भी ज्यादा वोटों से मैं बल्ली महाराज की सीट जीतूंगा, ऐसा मुझे आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो दुख लोगों के दुख दर्द की साथी है। दिल्ली का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बाकी कांग्रेस 15 साल से थी, दिल्ली की स्थिति जो कि जो है, 49 दिन की सरकार केजरीवाल की वो भी छोड़ करके भाग गए। आज तो किस अधिकार से कहते हैं कि हमें वोट दो। जो आदमी सरकार चला नहीं सकता उसे वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। आप किसी के बहकावे में न आए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन लेकर के हम दिल्ली में उतरे हैं। उनकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः मैं संगठन का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत
कार्यकर्ता बैठ जाओ, खड़ा होकर पीछे चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद केंद्र में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, तो आए और अपनी बात हमारे बीच में रखें डॉक्टर हर्षवर्धन। और हमारे बीच में राम कैलाश गुप्ता जी आए हैं जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन डॉक्टर साहब कर रहे हैं हमारी पार्टी में आने पर, हमारे प्रत्याशी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री रामलाल जी, हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात झा जी, राज्यसभा में सांसद और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई श्रीमान विजय गोयल जी, हमारे पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री मांगेराम गर्ग जी, आज का ये कार्यक्रम केशवपुरम जिला और चांदनी चौक जिले का है। हमारे केशवपुरम जिले के अध्यक्ष भाई संदीप शर्मा जी और चांदनी चौक जिले के अध्यक्ष भाई सुमन गुप्ता जी और इनकी पूरी टीम, इसी के साथ साथ यहां पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी, महामंत्री रेखा गुप्ता जी और कोषाध्यक्ष श्री श्यामलाल गर्ग जी और मंच को सुशोभित कर रहे मेरे 10 वो साथी जिनके 10 फरवरी को विधायक बनने के बाद मेरा काम आसान भी हो जाएगा और मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार उन 10 साथियों के लिए आप सब लोग मेरा जोर से तालियां बजा दें। मुझे लगता है कि इनको साथी बनाने के लिए थोड़ी और ज्यादा जोर से बजानी पड़ेगी आपको। ये सुमन गुप्ता जी का क्षेत्र है, इनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कई बार जिला अध्यक्ष रहे हैं, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष 2004-05-06 के आसपास होता था तब भी ये जिले के अध्यक्ष होते थे, आज भी ये जिले के अध्यक्ष हैं, पहले भी यहां से चुनाव लड़े हैं और अब फिर पार्टी ने एक बार इनको मौका दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप जरा भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इनको जो है दिल्ली की विधानसभा में भेजने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने अंजुमन देहलवी के भाषण के ऊपर बहुत जोर से तालियां बजाई। मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा जोर से तालियां आपने उन्हीं के भाषण के ऊपर बजाई और मुझे लगा कि शायद उसका कारण यह है कि सबसे ज्यादा जोश आपको उन्हीं को जो है सबसे पहले विधायक बनाने के अंदर है। और मुझे सबसे ज्यादा इसी बात से इसमें खुशी हुई कि वो मटिया महल का इलाका वो है जहां मेरा जन्म हुआ है और मुझे सबसे ज्यादा खुशी उसी दिन होगी जिस दिन मटिया महल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक भारतीय जनता पार्टी का वहां से विधायक चुनकर भेजेंगे। उन्होंने यहां पर एक बहुत ऐतिहासिक बातें कही, बहुत इमोशनल बातें कही और जब वो बातें वो कह रहे थे तो मुझे भी मेरा बचपन याद आ रहा था। जो
कि उसी मंडल महल के अंदर फाटक कल्याण में जन्म लेने के बाद जब मैं बचपन से लेकर और बड़ा हुआ हूँ और बड़े होते होते जो है मैंने जब उस इलाके को छोड़कर मैं 15 साल की उम्र में जनता पार में गया तो मुझे याद है कि बचपन के अंदर हम जिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने उस सीताराम बाजार के इलाके में जामा मस्जिद के इलाके के अंदर जिन नेताओं का नाम सुनते थे और जिन नेताओं का नाम बहुत लोग इज्जत से लेते थे तो शायद उनके पिता अमर अली तहसी जी का नाम लेते थे और हम छोटे छोटे होते थे हम लोग जो है उस जमाने के अंदर और शादी के ऊपर जब भाषण सुनने जाते थे अटल जी के तो उसके साथ हम लोग अनवर अली दहलवी जी के भाषण सुना करते थे उस जमाने के अंदर मुझे अपने बचपन का याद आता है। इसलिए दोस्तों मैंने कल उनको जब फोन करके शुभकामनाएं दी तो मैंने उन्हें कहा दोस्त 2013 के चुनाव में हमको सिर्फ 6000 वोट मिले थे लेकिन मैंने कोशिश करके उस 6000 को 16000 किया। पिछली बार पार्लियामेंट के चुनाव में मैंने क्या किया मेरे कार्यकर्ताओं ने किया मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा आप चिंता न करिए इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे वहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने के लिए अगर 16000 को 26000 करना है तो 26000 करेंगे 36000 करना है तो 36000 करेंगे लेकिन इस बार हम उस सीट को जीत कर दिखाएंगे। मैं ये समझता हूं कि इसी जज्बे के साथ काम करने की जरूरत है और जितने मेरे दूसरे साथी हैं ये महेंद्र नाथ पाल जी को मुझे लगता है परिचय कराने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेशन से लेकर और इनकी विधानसभा तक की यात्रा जो है पिछली बार वजीरपुर से चुनाव जीते जमीन के कार्यकर्ता है। रेखा गुप्ता जी को हम लोग बहुत सालों से जानते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्षा रही और बेटर है अपने इलाके के अंदर बहुत मेहनत के साथ जज्बे के साथ काम करती है दिल्ली प्रदेश की हमारी महामंत्री जी। नंदकिशोर दत्त जी के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है बहुत वरिष्ठ है बहुत वरिष्ठ है 1993 से जो है हमारे साथ दिल्ली की विधानसभा के अंदर है बहुत सारी सरकारी कमेटियों में रहे दूसरे स्थानों पर रहे और हमारे कार्यकर्ताओं को उनके परिचय की जरूरत थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी मेरे ख्याल से उनका विधानसभा का ये शायद 6वां चुनाव होगा इस चुनाव के अंदर जो है आप उनको निश्चित रूप से जो है बुलाएंगे। भाई हमारे मॉडल टाउन से विवेक गर्ग ये तो वो है देखने में ये सुटे उठे लगते हैं आपको ऐसे लगता होगा ये नया सा छोटा सा आदमी कहां से आ गया लेकिन ये वही छोटा सा आदमी है जिसने आरटीआई लगा लगाकर जो पूरी यूपीए की सरकार के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर और कोई ऐसा यूपीए सरकार का मंत्री नहीं था जिसके के नाम में दम नहीं कर दिया और जिसके खुलासे उन्होंने जो है भ्रष्टाचार के सारे देश के सामने नहीं करवाया। बहुत योग्य है एडवोकेट है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उनके लिए पूरी ताकत से उन्हें आशीर्वाद देंगे। फिर हमारे श्यामलाल मोरार जी जो है उनको अभी आपने सुना इनके सामने भी बड़ी चुनौती है इनके सामने क्या है आपके सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि तो इन्होंने मंजी महाराज की सीट जीती है जिस सीट के ऊपर कांग्रेस का जो विधायक है वो पिछली 5 बार से चुनाव जीता है क्योंकि तो हारून यूसुफ साहब जो है वो मेरे दिल्ली विधानसभा में 93 से साथी है लेकिन मुझे लगता है कि अब 6वीं बार जो है उनको जो है विधानसभा की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा उन्हें घर की तरफ वापस रुख करना पड़ेगा। और श्यामलाल मोरार जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है 2007 में मैंने ही सबसे पहले इनको टिकट दिया था कॉर्पोरेशन के अंदर जाने के लिए और मैंने देखा कि बहुत मेहनत से काम करते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से इस बार विधायक बनेंगे। रवीन जैन जी हमारे सदर के कार्यकर्ता है इनको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनके लिए केंद्र सरकार से मंत्री आया है चुनाव लड़ने के लिए विधायक का और उनको हराने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है इसलिए मैं इनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जब मैं भी यहां पर चांदनी चौक में भेजा गया था तो मुझे कहा गया था साहब दिल्ली की सबसे खतरनाक सीट सबसे मुश्किल सीट इसलिए आपको अपना इलाका जहां आपने 5 बार चुनाव जीता वो छोड़कर चांदनी चौक के अंदर जाना पड़ेगा और बताया गया था कि यहां पर एक बहुत बड़े केंद्र के मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 10 साल से वहां चुनाव जीता है बहुत योग्य हैं और बहुत सारी उनके पास जो है इच्छा है
जब चांदनी चौक का चुनाव लड़ने के लिए मैं आया, सच बात यह है कि मैं भूलता नहीं चांदनी चौक का चुनाव। मैं इसलिए नहीं भूलता कि चैलेंज बहुत बड़ा था। पार्टी ने यह कहकर भेजा था 70 मुश्किल सीट है, 70 खतरनाक सीट है, यहां पर अच्छे अच्छे लोग जो आकर शहीद हो जाते हैं। और दोनों पार्टियों ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को यहां पर आपने सबने देखा, लेकिन आपने सबने यह भी देखा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने आकर कोई मेहनत की। मैं तो हंसते खेलते आया, हंसते खेलते जो है यहां से संसद में चला गया। सारी की सारी ताकत और मेहनत आपने की और मैं सुरक्षा में आपको हृदय से बधाई देता हूं। और मैंने आपकी योग्यता और क्षमता को उसी समय परखा है। चांदनी चौक के अंदर, केशवपुरम जिले के अंदर हमारे कार्यकर्ता हैं, इनकी जो योग्यता है, इनकी जो क्षमता है, इनकी जो ईमानदारी है, इनके अंदर जो पार्टी के लिए काम करने का जज्बा है, उस सबको मैंने स्वयं अनुभूति किया है। यूं तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी मैंने आपको कई बार नजदीक से देखा, समझा, पता नहीं कितने आंदोलन हम लोगों ने साथ साथ किए, लेकिन बहुत बारीकी से यहां के कार्यकर्ताओं को देखने का, उनकी योग्यता को और उनकी मेहनत को और उनकी ईमानदारी को परखने का मौका। मैं सच बता रहा हूं, मैं सोता तो जरूर रोटी घंटे था, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी चांदनी चौक के अंदर, क्योंकि यहां जाना था देखता था कि मेरे बिना कुछ कहे जो है इतना ज्यादा मेहनत कर रही कार्यकर्ता, आप जिधर कहते थे उधर चल लेता था। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो प्रवीण जैन साहब है, इनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इनके लिए भी जो है केंद्र से एक मंत्री जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट करके जो है दिल्ली के अंदर सदर बाजार में विधायक बनाकर भेजा गया है, तो इनको उनको हराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं इनको भागीदारी बस हो गए भाई में रह गया। अच्छा अच्छा, ये अभी एक हमारे और साथी है, वो अभी शायद स्कूल में है, अभी वो आ जाएंगे तो उनका भी परिचय कराएंगे। डॉक्टर वासी जो है वो भी हमारे साथ दिल्ली की विधानसभा में सदस्य रहे हैं, और भले ही वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन उनकी मैंने एक विशेषता देखी। आप में से शायद सब लोगों को याद होगा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, कांग्रेस पार्टी के थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन सबसे पहले ये मीडिया के लोग जानते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार ने उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो बिजली के निजीकरण में किया गया घोटाला है, उसका जो विस्तार से उल्लेख था उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट का, जब विश्लेषण करके जब उन्होंने पीएससी की रिपोर्ट दी थी, जो उसकी जो हमारी भारत सरकार की, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में उन हमारे प्रत्याशी ने जो उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी होते थे, कांग्रेस के एमएलए होते थे, उन्होंने कहा कि शायद इससे बड़ा कोई घोटाला बिजली के निजीकरण में नहीं हो सकता, उस बिजली के निजीकरण के घोटाले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये जज्बा और ये हिम्मत कांग्रेस के अंदर होकर, कांग्रेस के विधायक के द्वारा अगर किसी के अंदर था, तो उन्होंने सबसे पहले शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज वो हमारी पार्टी में है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 10 लोगों की हमारी टीम है, आप सबकी योग्यता, आप सबकी मेहनत, आप सबकी ईमानदारी और आप सबकी क्षमता के बल पर इस बार जो थोड़ा सा पिछली बार 9 out of 10 आपने पार्लियामेंट में किया था, वो 9 out of 10 की जगह 10 out of 10 आपने करना है। इस जज्बे को यहां से लेकर जाइएगा। और यहां जो लोग हैं दोस्तों, ये लोग बूथ के अध्यक्ष हैं। मैं केवल आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मीटिंग बुलाई गई है बूथ के अध्यक्षों की बुलाई गई है, आपसे कुछ उम्मीद है इसलिए आपसे बुलाई गई है। आपके लिए कोई दिमाग में पार्टी के योजना है कि आपको कुछ करना है, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। मुझे अपने इलाके के अंदर 5 चुनाव लड़ने का मौका मिला है। बहुत मामूली से खर्चे पर मैं वो 5 चुनाव लड़ता था कार्यकर्ताओं की बनकर, लेकिन एक ही फर्क होता था जो शायद बाकी जगह से मुझे लगता है कि हम करते थे, कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं वो अपने बूथ के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में काम को इतने अच्छे तरीके से बांट देते थे कि हर कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है,
उसके माथे के ऊपर लिखा होता था कि भाई तुम्हारे ये 10 परिवार हैं, तुम्हारे ये 12 परिवार हैं, तुम्हारे ये 15 परिवार हैं। उसकी जेब में पर्ची होती थी, उस पर्ची के ऊपर उनके नाम होते थे और उसकी जेब के अंदर छोटी डायरी के अंदर उन परिवारों के हर सदस्य का मोबाइल नंबर होता था और उसके अलावा वो सिर्फ उन लोगों के दुख सुख में शामिल होना, चुनाव के समय उनको सिर्फ याद करना, उनको ध्यान दिलाना कि भाई साहब सुबह 7 बजे 8 बजे जाकर वोट डाल दीजिएगा। और अधिकांश हमारे कार्यकर्ता 9 बजे तक अपना काम खत्म करके दूसरे कार्यकर्ता को कहते थे भाई मेरा काम खत्म हो गया, मेरे 12 परिवार का काम, मुझे मेरी कोई हेल्प की जरूरत है तो ले। और मैं ये समझता हूं कि जो आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, प्रभात झा जी के और हमारे माननीय रामलाल जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो हमारी योजना बनाई गई है, पन्ना प्रमुखों की योजना बनाई गई है, उस पन्ना प्रमुखों की योजना का अभिप्राय भी यही है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक कार्यकर्ता को हमने एक पन्ना दिया। इसका मतलब उसको हमने बता दिया कि यही है तुम्हारे 15 परिवार, यही है तुम्हारे 20 परिवार, यही है तुम्हारे 20 वोटर, 25 वोटर। इसके ऊपर जो है जैसे अर्जुन के लिए था ना मछली की आंख, आपके लिए भी वही होना चाहिए, इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं। और जिस दिन हमने सबने अपना काम आपस में बांट लिया तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आपकी टेंशन कम हो जाएगी, यानी कि टेंशन आपकी रह जाएगी 1/10, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 10 गुना ज्यादा और आपके बूथ का रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा 25 गुना ज्यादा। यानी कोई ऐसा बूथ बचेगा नहीं जहां कि आप, कोई दिल्ली में ऐसा बूथ नहीं है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की योग्यता और क्षमता ना हो, हर बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हमारे अंदर जीतने का जज्बा होना चाहिए, जीतने की रणनीति होनी चाहिए, जीतने की योजना होनी चाहिए। इसलिए आज की इस बैठक में यहां से आप सब लोग ये काम अपने जिम्मे लेकर जाइए कि सारे लोग मिलकर सारा काम नहीं करेंगे, यही हमारी समस्या है। बूथ पे जाओ जब चुनाव हो रहा होता है तो खूब सारी भीड़ लगी होती है, सारे लोग उत्साहित होते हैं, सारे लोग मिलकर सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता से पूछो भाई तुम स्पेसिफिक में क्या कर रहे हो, तुम्हारे को स्पेसिफिक क्या ड्यूटी है, तो कई बार हमारे को बताने के लिए कुछ नहीं होता। और जब शाम को 5 बजे हम मिलते हैं तो हम देखते हैं कि एक परिवार को ऐसा है जिसमें 4 लोग चक्कर लगाए और 10 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक भी कार्यकर्ता नहीं गया। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमने हमारा काम कभी बांटा नहीं। इसलिए आज जाने के बाद आप सबसे मेरा अनुरोध है कि रात से पहले पहले अपने पोलिंग बूथ के सारे कार्यकर्ताओं को बुलाइए, अपने कार्यकर्ताओं के अलावा और भी जो हमारे सहयोगी और भी जो हमारे सिंपथाइजर है उनको बुलाइए और केवल एक छोटी सी चाय पार्टी कर लीजिए। एक एक प्याली चाय और एक बिस्कुट मैरी का, मैरी वाले बिस्कुट में कम कैलोरी होती है, इसलिए मैं मैरी वाला खाऊंगा। ज्यादा कैलोरी वाला खाओगे तो इस समय जो है चुनाव के समय दिक्कत है। एक बिस्कुट और एक चाय का प्याला ये सबको पिलाइए, वोटर्स लिस्ट सामने रखिए, उस वोटर्स लिस्ट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी बात करिए, कौन से उसके अंदर एनजीओ है, कौन से गुरुद्वारे वाले हैं, कौन से मंदिर वाले हैं, उन सबके बारे में लिस्ट बनाइएगा और अगले 15 दिन के अंदर। और आप अगर काम बांटने जैसा मैंने कहा है तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आपके पास जो अच्छे कार्यकर्ता है उसमें हर कार्यकर्ता के जिम्मे एक दिन में एक परिवार को संपर्क करने का काम होगा। अब आप मुझे बता दो कि 24 घंटे में अगर एक परिवार को ही खाली संपर्क करने की जिम्मेदारी हो काम बांट कर तो ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये अगर काम ना बांटे तो सारे लोग यहां से बोझा लेकर जाएंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 10 के 10 को जिताओ, सबके सिर पर बोझा चढ़ा रहेगा। लेकिन रात में अगर सबने चाय पार्टी कर ली तो बोझा आज रात को ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो भाई, और अगर सही कह रहा हूं तो ताली को बजा दो। अब बात मैं करना चाहता हूं, वैसे तो
भी भाई अमित शाह जी आएंगे, रामलाल जी आएंगे, वो सब हमारी सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 7 महीने में बहुत सारी चीजों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। जनधन की बात हो रही थी, कल ही हमारी कैबिनेट के अंदर बात हो रही थी, अधिकांश प्रदेशों में आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि 99% और 100% के बीच में, और मेजोरिटी प्रदेशों में तो 100% हो चुका है। यानी कोई देश में ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा हमारी सरकार ने। अभी कितने दिन हुए, 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था, बात हुई थी कि 26 जनवरी तक 7 करोड़ लोगों के खाते खोले जाएंगे, और कल रात को कैबिनेट के अंदर रिपोर्ट दी गई कि अभी 26 जनवरी आई नहीं है, 11 करोड़ लोगों के खाते खुल चुके हैं। 24 करोड़ लोगों के घर घर तक सर्वे करना था, 21 करोड़ लोगों के घर घर तक सर्वे हो गया और उसके अंदर सारे परिवारों को रिकॉर्ड कर दिया गया। मैं समझता हूं ऐसा रिकॉर्ड काम कभी आज तक नहीं हुआ होगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। आजकल जब मैं अमित शाह जी को सुनता हूं तो वो उनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, और उनके भी आपसे यह चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनको उसके बारे में चर्चा करनी है। मैं आपसे अभी 2 मिनट के लिए सिर्फ आपके इस 44 पार्लियामेंट्री सीट की थोड़ी सी बात कर देता हूं, क्योंकि आपको किसी को भी 44 पार्लियामेंट्री सीट के अंदर अगर लोगों के पास जाना है तो मुंह लटकाकर नहीं जाने की जरूरत है। आप ऐसे सर ऊंचा करके जा सकते हो केवल 44 सीट के ऊपर। तो हम लोगों ने इतने दिन के अंदर काम शुरू किए उसके बारे में, जब मैंने आपके साथ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद मैंने आपके हाव भाव देखे और मैंने जनता के हाव भाव देखे, तो आप विश्वास मानिएगा कि रिजल्ट आने से पहले मुझे विश्वास हो गया था कि आपने अपना काम कर दिया है। और रिजल्ट आने से पहले मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से शाहजहानाबाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत और उसके बारे में योजना के ऊपर चर्चा शुरू कर दी, और लगातार पिछले 7 महीने में खाली उनके साथ मीटिंग नहीं की। ये चांदनी चौक के कार्यकर्ता जानते हैं कि शाहजहानाबाद डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जिस पर पिछले केंद्रीय मंत्री महोदय ने 10 साल के अंदर पता नहीं कितनी बार यहां पर आकर पत्थर लगाए, फाउंडेशन स्टोन लगाए। मैंने कोई फाउंडेशन स्टोन न लगाया है, ना मेरी लगाने की कोई इच्छा है, लेकिन 7 महीने के अंदर यहां पर शाहजहानाबाद डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ गया ये आप सब लोग देख रहे हो। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब ये जो सामने आपके सड़क है, 1-2 साल के अंदर आप देखोगे इसके ऊपर काम चलेगी, ऐसी काम चलेगी जो यहां से घूमते हुए लाल किले से चांदनी चौक से पूरा घूमते हुए और फतेहपुरी से होते हुए और आगे नया बाजार से होते हुए पूरी घूमेगी। ऐसी 6 काम एक समय में चलेगी, एक काम के ऊपर 300 सवारियां सवार होगी, और इस तरह से एक समय में 1800 यात्री 3 काम ऐसे करके क्लॉकवाइज, और 3 काम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही होगी। चांदनी चौक का इलाका बिल्कुल जैसे लंदन के अंदर इस तरह के पेडेस्ट्रियन इलाके होते हैं जहां दूसरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। 1800 लोग एक बार में ट्रेवल कर रहे होंगे, और इसी तरह से जामा मस्जिद के लिए ये इतना विस्तृत प्रोजेक्ट है। और इसके बाद चांदनी चौक जो हमारे क्षेत्र की इतनी बड़ी विरासत है उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। विजय गोयल जी बहुत सालों से उसका मखान मखान करते हैं कि यहाँ पर गौरी शंकर का मंदिर भी है, यहाँ पर लाल किला भी है, यहाँ पर जामा मस्जिद भी है, यहाँ पर फतेहपुरी की मस्जिद भी है, यहाँ पर हमारा गुरु तेग बहादुर जी का सीजन गुरुद्वारा भी है, यहाँ पता नहीं क्या क्या है, कौन सा लाल मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, और हमारे सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसके बाद चर्च भी है, सब कुछ है। तो ये बहुत प्रतिष्ठित स्थान है, ये देश का और ज्यादा श्रेष्ठतम प्रतिष्ठित स्थान बनने में इसको कोई देरी नहीं है। जो लोग रानी झांसी रोड के ऊपर फ्लाईओवर के नजदीक रहते हैं, मुझे जरा बता दो कितने सालों से वो फ्लाईओवर का काम रुका हुआ था। क्या इससे पहले यहां पर मंत्री नहीं थे? क्या इससे पहले यहां पर शीला दीक्षित की सरकार नहीं थी? क्या इससे पहले 10 साल से जो है यहां पर केंद्र में सरकार नहीं थी? इतने सारे लोगों के रहते हुए भी दिल्ली के अंदर 15 साल की मुख्यमंत्री और वो जो प्रोजेक्ट है वो कितने सालों से रुका हुआ था? अभी 6-7 महीने हुए हैं, इसके बीच में काम सारा का सारा शुरू हो गया। पिछले दिनों दौरा किया था, जो कार्यकर्ता मेरे साथ थे वो जानते हैं,
और जो किशनगंज के ऊपर आईयूपी है वो कितने सालों से रुका हुआ था, कहते थे साहब इसमें कोई मंदिर आ रहा है, कोई इसमें मजार आ रहा है। इसी छह महीने के अंदर मंदिरों को एक दूसरा स्थान दिलाकर पांच में से चार मंदिरों को हम लोगों ने मॉडल टाउन में स्थान दिलाकर उनको शिफ्ट करा दिया, और जो है वो सारा का सारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ चुका है। जो सदर बाजार में लोग रहते हैं, पहाड़गंज में लोग रहते हैं, सौ साल से ऊपर पुरानी आपकी प्रॉब्लम लीज के ऊपर थे, सरकारें बहुत आई लेकिन हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, वेंकैया जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने, उनके हम लोगों ने पीछे पढ़ पढ़ के उसको सारे सदर बाजार पहाड़गंज के इलाके को और कई लाख लोगों के उस सारी प्रॉपर्टीज को जो है फ्री होल्ड करा दिया। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम इसी ये सारी इसी छह महीने की बातें कर रहा हूं। डीडीए से कम 200 से ज्यादा टॉयलेट नए, जिसमें कम से कम 30-40 हमारे अपने क्षेत्र के अंदर बनने वाले हैं, नए टॉयलेट बनने वाले हैं, पुराने टॉयलेट्स का जो है डेवलपमेंट होने वाला है। और मैंने अपने एमपी डेवलपमेंट फंड से भी कुछ ऐसे टॉयलेट जिनके लिए मैंने क्राइटेरिया रखा था कि दिल्ली का बेस्ट नहीं, देश का बेस्ट नहीं, दुनिया का बेस्ट टॉयलेट मुझे यहां पर आप बनाकर दिखाइए, उसके ऊपर बहुत अध्ययन किया सारे दुनिया के टॉयलेट्स का। और उसके बाद मैंने अभी कुछ लाख रुपए जब वो बनेंगे तब आप देखेंगे, तब आप उसके लिए मैंने अभी कुछ सैंपल के लिए जो है 5-7-10 टॉयलेट्स के लिए पैसा दिया। वो टॉयलेट्स के ऊपर काफी पैसा भी खर्च होगा लेकिन वो ऐसे टॉयलेट्स ऐसे प्रतिष्ठित स्थानों पर इस क्षेत्र के अंदर आएंगे कि आप कहोगे कि ऐसा टॉयलेट जो है हमने हिंदुस्तान में नहीं देखा, हम अमरीका में गए थे वहां पर भी हमने ऐसा टॉयलेट नहीं देखा, ऐसे टॉयलेट हम लोग यहां पर बनाने वाले। और दोस्तों एक नहीं, ऐसी मैं अनेकों योजनाओं का विस्तार से वर्णन कर सकता हूं। मैंने कुछ प्रमुखता यहां पर आपके सामने दर्शन कराया है, 80 विषय है, 85 विषयों के ऊपर जो हमारे चांदनी चौक की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उनके ऊपर में डीडीए के अंदर डीडीए के वाइस चेयरमैन से और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्बन डेवलपमेंट श्री वेंकैया नायडू जी से लगातार उन विषयों को प्रस्तुत कर रहा है। हम सबके लिए बड़ा एक प्रकार से हृदय से जुड़ा हुआ विषय है झंडे वालान का, जो हमारा माता का मंदिर है, उसका विषय कितने सालों से लटका हुआ था, उसके आसपास उसको खूबसूरत बनाना, उसके आसपास जो गैस के गोदाम वगैरह है उनको सबको वहां से शिफ्ट कराना, उसके आसपास की बाहर की मार्केट को जो है ठीक से हटवाकर और उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करके उस सारे प्रोजेक्ट को बड़े प्रोजेक्ट के रूप में ऐसा उस प्रकार का जो है प्रतिष्ठित स्थान बनाना, उसके लिए लगातार उसके दौरे करके एलजी साहब से मीटिंग करके वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने अप्रूव करा दिया। अब आप देखेंगे 2015 के अंदर उस पर बहुत तेजी से काम होने वाला है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली के अंदर, पता नहीं कितनी सारी स्कीमें हैं, कम से कम आधा दर्जन तो नई दिल्ली में, कभी पुरानी दिल्ली से, कभी नई दिल्ली से, कभी जमुना पार्क के अंदर आनंद विहार से, उनको मैं अपने केंद्रीय मंत्री के साथ शुरू करा के आया हूं। इसलिए मैंने आपसे जो कहा कि आपको कहीं पर भी सिर झुकाकर मुंह लटकाकर जाने की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार की उपलब्धि हो उसके लिए भी आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, चांदनी चौक के लिए भी आपके पास लंबी लिस्ट है, बाकी जो हमारे दोस्त चुनाव के मैदान में आए उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल से उनके बारे में मैंने जब दिल्ली विधानसभा में भाषण दिया था तो बहुत सारी बातें मैंने उस समय कही थी, वो आपको सबको बाय हार्ट याद है और जो भूल जाते हैं उनके लिए हमारे बाकी साथी आपको याद दिलाते रहते हैं। उसके बाद से उनके बैंक के अंदर कुछ और डालने के लिए बैलेंस नहीं है, उनकी जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर, सिवाय इसके कि चौबे जी क्या बोलते हैं दुबे जी छब्बे बनने गए थे, चौबे बन के आ गए, दुबे बन के आ गए, जो भी है तो वो बनारस गए थे प्रधानमंत्री बनने, फिर वापिस आपके पास आ गए और अब यहां से आप उनको कहां भेजोगे मुझे पता नहीं। इसलिए मुझे उन दोनों लोगों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनकी पार्टी के बारे में कहने की जरूरत नहीं, वो सारे देश के सामने अच्छी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार के कारण एक्सपोज हो चुकी है, उसको अच्छा खासा जवाब मिल चुका है और जो गए थे यहां से बनारस तक उनको भी खूब अच्छा जवाब मिल चुका है। अब आपको केवल यह करना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना है, उनका सारे देश के लिए सपना है कि दोबारा से भारत को हमें विश्वगुरु बनाना है।
उनका दिल्ली के लिए सपना है कि दिल्ली को देश का बेहतरीन ऐसा शहर बनाना है जिसको हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर राजधानी कह सकें। ये काम कैसे होगा? ये काम वैसे तो नहीं होगा कि धरने प्रदर्शन करने वाले यहाँ पर आकर सेक्रेटरी में बैठ जाएंगे तो ये काम हो सकता है। ये काम तभी होगा जब दिल्ली के अंदर ईमानदार समर्पित लोगों की सरकार होगी जिनके लिए जीवन के अंदर राष्ट्र धर्म का जज्बा सबसे बड़ा जज्बा है, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा वो सबसे बड़ा जज्बा है। और वो काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के लिए तभी बनने के बाद ही हो सकता है। और उस सरकार को बनने के लिए दोस्तों एक एक सीट का महत्व है। आपने 2013 में देखा ना, अगर 6000 वोट और हमको पड़े होते पूरी दिल्ली के अंदर तो शायद 8-10 सीटें हमारी और होती, 8-10 सीटें। कोई हमारा साथी 300 वोट से हार गया, कोई 700 वोट से हार गया, कोई 1200 से हार गया, कोई 1600 से हार गया, कोई 2300 से हार गया। इन सालों को जोड़ो तो 6-7 हजार से ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अब आप इसको अंदाजा लगाओ कि 12,000 पोलिंग बूथ और 6,000 वोट, यानी दो पोलिंग बूथ पर मिलाकर अगर 1 वोट और पड़ा होगा तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और आप याद करो कि 1 वोट की कमी पड़ गई थी तो हमारी अटल जी की प्रिय सरकार चाहिए। इसलिए यहां से ये दृढ़ संकल्प करके जाना है कि ये नहीं सोचिए कि सारे लोग काम कर रहे हैं, यार मैंने थोड़ा कम कर लिया तो क्या होगा। हमने सबने अपना हाथ एंड सोल इस काम में लगाना है। और जब हम सब मिलकर इस काम के अंदर लगेंगे तो चांदनी चौक की पार्लियामेंट की सीट में आप ही सब लोग मिलकर रिकॉर्ड बनाओगे। मैं ये समझता हूँ ये पोलिंग बूथ के अध्यक्षों की नहीं, ये आने वाले भारत की राजधानी के भविष्यों की जो है मैं समझता हूँ ये नींव रखने वाले लोगों की जो है ये मीटिंग है। आज बारिश हुई है, बारिश का मतलब है इंद्र देवता ने आशीर्वाद दिया। हमारे चांदनी चौक और केशवपुर मेले को तो आज मिल गया, हमारे लिए बड़ी खुशी है। इसलिए उस आशीर्वाद को ग्रहण करिए। अभी अमित शाह थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, धैर्य पूर्वक उनकी बात का सुनने के लिए इंतजार करिए। अभी रामलाल जी और हमारे प्रभात झा जी जो है बहुत विस्तार से आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका ढेर सारा अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। भाई साहब बैठिए, जाने के लिए थोड़ी कहा आपको, बैठिए 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 प्लीज। धन्यवाद। बैठे रहे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई सतीश उपाध्याय जी आए हैं। मैं चांदनी चौक जिले के अपने अध्यक्ष अनुमोद वर्मा के उनका स्वागत करेंगे पटका बनाकर। और हमारे बीच में आदरणीय रामलाल जी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं जिन्होंने पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से अभी 4 राज्यों में जीते और दिल्ली में हम कैसे जीते ये बात हमारे को बीच में बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय रामलाल जी। अब दिल्ली में खाना है,
खाना है, अब दिल्ली ने खाना है। मैं बोलूंगा जिसकी सरकार केंद्र में, आप बोलेंगे उसी की सरकार प्रदेश में। जिसकी सरकार केंद्र में, जिसकी सरकार केंद्र में, जिसकी सरकार केंद्र में, बोलूंगा पूर्ण बहुमत स्थिर सरकार, आप बोलेंगे चलो चले मोदी के साथ। पूर्ण बहुमत स्थिर सरकार, पूर्ण बहुमत स्थिर सरकार। अरे बैठ दो यार। अब एक नारा मैं लगाता हूँ आप सबके लिए, मैं बोलूंगा बूथ जीता, आप सब बोलेंगे चुनाव जीता, बूथ जीता। अरे हट जाओ एक बार पूरा, अरे तो आपके लिए नारा है, बूथ जीता, बूथ जीता।